वैज्ञानिकों ने दबाया बटन, इसरो ने रच दिया इतिहास। एक तेज धमाके के साथ चांद की तरफ लपका चंद्रयान, दिख गई मंजिल, बस कुछ ही घंटों में चांद पर होगा विक्रम लैंडर। जी हाँ दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 अब अपने मिशन के उस पड़ाव पर आ पहुंचा है जहां हर बीतते घंटे के साथ चांद से इसकी दूरी कम होती जा रही है। उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन अब शुरू हो चुकी है क्योंकि इसरो ने अपना आखिरी मूव लेते हुए लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को गुड बाय बोल चुका है और अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। अब लैंडर को सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही है और वो है चांद का दक्षिणी ध्रुव इलाका। लेकिन आगे का सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसमें हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों की चिंता डबल हो गई है। तो आखिर वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर अभी भी चिंता में क्यों है? चंद्रयान अभी इस समय कहां पर है और आगे इसे और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 17 अगस्त के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को गुड बाय करते हुए कहा कि यहां तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इतना कहकर वो खुद आगे बढ़ गया। असल में यही वो पल था जब चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर की शुरुआत हुई। लेकिन ये सब हुआ कैसे और कैसी ये प्रोसेस रही जिससे बिना किसी नुकसान के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गए, चलिए आपको जरा स्टार्टिंग से समझाते हैं। तो हुआ यूं दोस्तों, 16 अगस्त के दिन चंद्रयान ने अपने 5वें लूनर ऑर्बिट में एंटर किया जिसका आकार 153x163 किलोमीटर का था। इसके बाद चंद्रयान को और कोई ऑर्बिट चेंज नहीं करना था क्योंकि यही इसका आखिरी ऑर्बिट था, और प्लान के मुताबिक इसी ऑर्बिट में घूमते हुए लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग होना था। यही वो स्टेप था जिसके साथ चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर शुरू होना था। यह इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल और रिस्की टास्क में से एक था, इसलिए इसे परफॉर्म करने से पहले वैज्ञानिकों की चिंता 7वें आसमान पर थी। आप खुद सोचिए कि लाखों किलोमीटर दूर चांद के ऊपर हवा में तैर रहे चंद्रयान को सिर्फ एक कमांड के जरिए दो हिस्सों में बांटना था। हालांकि इसकी तैयारी इस मिशन के लॉन्च होने से पहले ही हो चुकी थी और चंद्रयान में एक सिस्टम डेवलप किया गया था ताकि ये काम बड़ी ही आसानी से हो जाए, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस चिंता में थे कि कहीं इसमें उनसे कोई गलती ना रह गई। खैर 17 अगस्त को दोपहर के करीब 1 बजे वो घड़ी आ गई जब वैज्ञानिकों को यह काम अंजाम देना था। इसके लिए बेंगलोर स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कॉम्प्लेक्स में बैठे एक वैज्ञानिक ने बस बटन दबाया और अगले ही पल ये विस्फोट के साथ चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़ते हुए खुद आगे बढ़ जाता है। असल में दोस्तों चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर एक दूसरे से एक बोल्ट के जरिए जुड़े हुए थे, साथ ही लैंडर को पुश देने के लिए उस बोल्ट के चारों तरफ स्प्रिंग भी लगी हुई थी। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक छोटा सा विस्फोट किया जिससे वो बोल्ट कट गया और चंद्रयान के दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हो गए। अब जैसे ही बोल्ट कटा तो उसके साथ ही उसके चारों तरफ लगी स्प्रिंग स्प्रेड होकर खुल गई और उनके धक्के से लैंडर को वो पुश मिला जिसकी मदद से वो प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। यही वो पल था जब लैंडर मॉड्यूल में लगे आई सिस्टम ने यहां तक के सफर के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया और इसी के साथ चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि इस पूरे मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज है और इसके चलते इसरो के वैज्ञानिक अब 2 गुना चौकन्ने होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 17 अगस्त को लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद बारी थी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की, या कह लें डी बूस्टिंग स्टार्ट करने की, और इसके लिए 18 अगस्त का दिन तय किया गया था। तो प्लान के अनुसार इसरो वैज्ञानिक ने शाम को 4 बजे के आसपास लैंडर मॉड्यूल में लगे इंजन चालू किए और विपरीत दिशा में फायर करते हुए लैंडर को थोड़े से नीचे वाले ऑर्बिट में धकेल दिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि डीबूस्टिंग करने से पहले लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही एक ही कक्षा में लेकिन एक दूसरे से अलग होकर चक्कर लगा रहे थे। अब लैंडर मॉड्यूल अपने ऑर्बिट को और ज्यादा छोटा करते हुए आगे बढ़ चुका है जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी चांद की 5वीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है।
अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लैंडर तो चलो चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या होगा? क्या इसका काम सिर्फ यहीं तक था या इसरो इसे अभी किसी और काम में लेने वाला है? तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल आने वाले कई सालों तक इस कक्षा में इसी तरह चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन इसकी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी बल्कि इसरो इसकी मदद से कई तरह के रिसर्च कामों को अंजाम देगा। दरअसल इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल में द स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, जिसे शॉर्ट में शेप नाम दिया गया है, उस पेलोड को डाला हुआ है और इसकी मदद से पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही ये इस चीज पर भी रिसर्च करेगा कि हवा में बादल कैसे बनते हैं और लाइट उन बादलों पर कैसे टकराती है। इस रिसर्च से पृथ्वी जैसे दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने में मदद मिलेगी, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी काफी समय तक हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसरो की यही तो खासियत है कि ये किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते और मिशन में शामिल छोटी से छोटी चीज का भी एक पर्पस सेट किया जाता है। अब वापस चंद्रयान पर आए तो इसरो ने डीप बूस्टिंग स्टार्ट करके विक्रम लैंडर को नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस समय चांद की सतह से ये 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। अब आगे इसरो इसी तरह धीरे धीरे डीप बूस्टिंग करता जाएगा और जब सतह से इसकी दूरी लगभग 400 मीटर यानी आधा किलोमीटर से भी कम रह जाएगी, तब लैंडर अपनी लैंडिंग साइट को आइडेंटिफाई करेगा और एक बार जगह मिलते ही ये उसकी तरफ बढ़ जाएगा। असल में दोस्तों इस समय हमारा चंद्रयान विक्रम लैंडर लूनर सरफेस की तरफ उसकी ग्रेविटी की मदद से नीचे गिर रहा है और इसके बूस्टर्स विपरीत दिशा में फायर करके इसके नीचे गिरने की गति को धीमा कर रहे हैं। साथ ही इनकी मदद से लैंडर को स्टेबल भी रखा जा रहा है और साइंस की भाषा में इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, क्योंकि इसरो अगर चाहे तो वो अपने बूस्टर्स को फायर किए बिना चंद्रयान को ऐसे ही नीचे गिरने दे सकता है, लेकिन इस तरह की लैंडिंग को हार्ड लैंडिंग कहा जाता है और इसमें लैंडर पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा रहता है, जैसा कि पिछली बार हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। हालांकि हम उसको भी सॉफ्ट लैंडिंग ही कराना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से क्रैश हो गया। अपनी उन्हीं गलतियों को सुधारते हुए इसरो ने 4 साल बाद अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, जो अब अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि लैंडिंग सॉफ्ट हो ये सुनिश्चित करने का काम वैज्ञानिकों से ज्यादा लैंडर में लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और उसके बिल्ट इन एआई का है। जी हाँ, इस समय विक्रम लैंडर किसी इंसान की कमांड पर नहीं बल्कि अपने खुद के कंप्यूटर सिस्टम या कहें ऑटो पायलट मोड पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक्चुअल हालातों का अंदाजा चंद्रयान जो खुद लगा सकता है वो वैज्ञानिक नहीं लगा सकते, और मान लो वैज्ञानिक को किसी खतरे का अंदाजा हो भी गया तो जितनी देर में पृथ्वी से भेजी गई कमांड चांद तक पहुंचेगी इतने में तो लैंडर का काम तमाम हो चुका होगा, क्योंकि सिग्नल को पहुंचने में भी कुछ सेकंड्स का टाइम तो लगता ही है। इसलिए मिशन के अंतिम पड़ाव में लैंडिंग का सारा काम ऑटोमेटेड रखा गया है ताकि विक्रम लैंडर का एआई तुरंत एक्शन लेते हुए खुद से फैसले ले सके। और दोस्तों ये एआई इतना स्मार्ट है कि इसे आप बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं जैसे लैंडर में एक इंसान यानी एक एस्ट्रोनॉट बैठकर उसको कंट्रोल कर रहा है। सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने यह सब कुछ, ये सारी मशीनरी खुद भारत में ही बनाई है। तो अब आप ये बताइए कि चंद्रयान के चांद पर लैंड करने को लेकर आप कितने ज्यादा उत्साहित हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि अच्छी लगी तो साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट तक देखने के सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।